हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम है श्रीलंका। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप 7 दिन में कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और कौन से क्रूज में आप फ्री में बैठ सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे ऑटो यानी कि टुक टुक वालों को एक दिन में घूमने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के साथ साथ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी ट्रैवलिंग वीडियोस और वीजा वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, कोलंबो पहुंचने के बाद हम सबसे पहले लेंगे एयरपोर्ट से बस, जो कि बस आपको कोलंबो बस स्टैंड में सिर्फ 200 रुपए में पहुंचा देगी। उसके बाद आप अपने बजट का होटल ले सकते हैं। घूमने की जगह की बात करूँ कोलंबो में, तो सबसे पहले हम गाला बीच जाएंगे, जो कि कोलंबो बस स्टैंड से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी है। तो गाला बीच के बारे में यह है कि ये बहुत ही खूबसूरत बीच है। यहाँ पर टूरिस्ट हमेशा ही भीड़ लगी रहती है, पर इस बीच में आप डाइविंग नहीं कर सकते क्योंकि चाइना गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और यहाँ पर चाइना का काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगा हुआ है। ये लोग का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है और ये बीच 24 घंटे खुला रहता है। दूसरे की बात करें अगर, नेशनल म्यूजियम ऑफ कोलंबो 1857 में म्यूजियम बना था और ये श्रीलंका का सबसे बड़ा म्यूजियम है। और अगर आपको पुरानी चीज़ें जानने का मन करता है तो आप यहाँ पर 30 रुपये में एंट्री ले सकते हैं। तीसरी जगह की बात करूँगा बेरा लेक की। ये लेक भी कोलंबो रेलवे स्टेशन से बहुत ही पास है। इस लेक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं आपको फ्री में क्रूज में घूमने का मौका मिलेगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर क्रूज में घूमना बिल्कुल फ्री है। चौथी जगह की अगर हम बात करें तो जमी उल अफर मॉस्क्यो। कोलंबस बस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ये स्पॉट बहुत ही सुंदर है। सैटरडे से लेके थर्सडे तक ये खुला रहता है। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। पांचवे जगह की बात करूँगा, ओल्ड पार्लियामेंट म्यूजियम। ये पार्लियामेंट श्रीलंका का सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है। 1930 में ये बिल्डिंग बनी थी। 1977 में इस बिल्डिंग को पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका बनाया गया और ये पैलेस भी श्रीलंका का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। पांचवी जगह है अतिदिया बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर 50 तरीके की स्पीसीज हैं। अगर आप फोटोग्राफी करने का शौक रखते हैं तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट प्लेस है। एंट्री के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है और ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुलता है। छठी जगह की अगर बात करूँ तो दिल्ली वाला जू, नेशनल जू नाम से जाने वाला दिल्ली वाला जू श्रीलंका का एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और ये एशिया का सबसे पुराना जू भी है। 2500 से ज़्यादा जानवर है यहाँ पे और यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग को भी प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर 500 श्रीलंकन रुपीज़ लगते हैं इंडियंस के लिए और ये कोलंबो से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी में। सातवां टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बेलागियो। 24 घंटे खुलने वाला ये कैशियो कैसीनो यहाँ की रात को चकाचौंध कर देता है। अगर आप भी खेलना चाहते हैं तो आप भी खेल सकते हैं बेलागियो कैसीनो में। फेस्टिवल्स के दौरान लोग अपनी कंपनीज का प्रमोशन भी करवाने आते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी कंपनी का प्रमोशन यहाँ पे करवा सकते हैं। मात्र 5 किलोमीटर दूर है ये कोलंबो बस स्टैंड से। आठवीं अगर जगह की बात करूँ तो कोविल टेम्पल। ये कोलंबो का सबसे पुराना टेम्पल है। 200 साल पुराना मंदिर यानी कि हिंदू धर्म पर बना है और ये मंदिर पूरा पत्थर का बना हुआ है। अगर आपको पुराना इतिहास जानने की इच्छा रखते हैं तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोलंबो लोटस टावर के बारे में अगर हम बात करें तो 300 मीटर ऊंचा टावर होने के साथ ये टावर टूरिस्ट की आंखों का तारा भी बना हुआ है। 4 किलोमीटर दूर कोलंबो बस स्टैंड से भी आप इस टावर को देख सकते हैं। टावर को आप मेन रोड से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैंडी टाउन की।
कोलंबो से आप ट्रेन ले सकते हैं कैंडी पहुंचने के लिए, या फिर आप बस भी ले सकते हैं कैंडी पहुंचने के लिए। ट्रेन ले या बस ले, 3 घंटे ही लगते हैं कोलंबो से कैंडी पहुंचने में। तो कैंडी के बारे में सबसे पहले, जगह का नाम है कैंडी पैलेस। 14th सेंचुरी में बना कैनेडियन पैलेस, बहुत ही खूबसूरत है। लेक के बीच में ये पैलेस, टूरिस्ट का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट कैंडी में। 2500 श्रीलंकन रुपीस लगते हैं इस पैलेस को देखने के लिए। तो अगर आप इस जगह को देखना चाहते हैं तो आप 2500 रुपये दे के इस महल में एंट्री ले सकते हैं। दूसरी जगह की बात अगर हम करें, बुद्धा स्टैचू, 88 फीट हाई बुद्धा स्टैचू, एक ऐसी जगह है जो कि टूरिस्ट पर्सन को मिस नहीं करनी चाहिए। वाइट कलर का स्टैचू, सिटी से आप कहीं भी हो, कहीं भी खड़े हो या कहीं भी हो, आप इस स्टैचू को देख सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए आप या तो टुक-टुक ले सकते हैं या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। यहां पर मॉर्निंग का टाइम सबसे ज्यादा फेवरेट रहता है टूरिस्ट के लिए। और यहां पर 200 श्रीलंकन रुपीस लगते हैं इस फीट को देखने के लिए। लोकल्स के लिए यहां बिल्कुल फ्री है। बात अगर करें कैंडी लेक की, कैंडी लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं, कैंडी लेक में आप घूम सकते हैं। कैंडी टाउन के बीच में ये जो लेक है, यहाँ पे लोग ज्यादातर पैदल ही घूमना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पे भी जाके ट्रैवल भी कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल पैदल भी चल सकते हैं। बात अगर मैं करूँ पिने वाला एलिफेंट और फिंच की, जो कि कैंडी में ही है, 150 एकड़ में फैला हुआ ये एलिफेंट और फिंच एरिया में आप जा सकते हैं। मात्र 12 किलोमीटर दूर है कैंडी लेक से। यहाँ की एंट्री की बात करें तो एंट्री फीस यहाँ पे 2500 रुपये श्रीलंकन रुपीज लगती है पर हेड। और यहाँ पे आप हाथियों को नहला भी सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टाउन का नाम है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उस टाउन का नाम है नोवारा इलिया, जो कि कैंडी से 4 घंटे लगते हैं पहुंचने में। हालांकि बस और ट्रेन दोनों ही जाती है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रेन से जाइए, क्योंकि यहाँ के ट्रेन का सफर भी बहुत ही खूबसूरत है। नोवारा इलिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आएगी वो जगह वो है नोवारा इलिया गोल्फ क्लब। एशिया का सबसे पुराना गोल्फ क्लब, जो कि 1989 में बना था। सुबह 8 से शाम 7 बजे तक लोग यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड में खेलते हैं। अगर आप भी शौक रखते हैं गोल्फ खेलने का तो आप यहाँ पे गोल्फ खेल सकते हैं। अगर आप शौक रखते हैं गोल्फ देखने का तो आप गोल्फ यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल मेन सिटी में ही है। नेक्स्ट जगह की बात करूंगा, सेंट क्लेयर्स फॉल। लिटिल नाइग्रा के नाम से जानने वाला सेंट क्लेयर्स फॉल काफी फेमस टूरिस्ट फॉल है नोवारा इलिया में, और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कौन से एरिया में ज़्यादा वक्त बिताना चाहेंगे और आप कब श्रीलंका जाना चाहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।